महाराष्ट्र में सियासी हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। आज कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की बैठक के बाद गठबंधन पर मोहर लग सकती है, जिसके साथ ही अब ये चर्चा भी तेज हो गई है कि अगर सूबे में महाअघाड़ी की सरकार बनती है तो सीएम कौन होगा। इस रेस में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का नाम आगे चल रहा है, लेकिन ठाकरे अगर नहीं माने तो पार्टी किस नेता को सौंप सकती है कमान, आइए देखते हैं। महाराष्ट्र में जब से चुनावी नतीजे सामने आए हैं, शिवसेना एक ही राग अलाप रही है कि मुख्यमंत्री तो शिवसेना का ही बनेगा, और बीजेपी से राहें अलग करने के बाद अब शिवसेना का ये सपना पूरा होता नजर आ रहा है, क्योंकि सूबे में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी गठबंधन पर जल्द ही मुहर लग सकती है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना को समर्थन देने को तैयार हैं और उन्हें शिवसेना के सीएम से भी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि दोनों दल चाहते हैं कि सीएम पद पर उद्धव ठाकरे काबिज हों। इतना ही नहीं, पार्टी के तमाम नेता भी उद्धव को सीएम पद पर विराजमान देखना चाहते हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो उद्धव ठाकरे सीएम पद लेने को तैयार नहीं, जिसे लेकर उनके मान मनोबल का दौर शुरू हो गया है। गुरुवार को भी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे को समझाने की कोशिश की कि उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में उतरना चाहिए। बैठक में मौजूद रहे शिवसेना सांसद संजय राउत और आदित्य ठाकरे ने भी उद्धव को सीएम पद संभालने के लिए कहा। सूत्रों का कहना है कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही होंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ खबर आ रही है कि अगर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद लेने के लिए नहीं मानते तो पार्टी के सांसद संजय राउत ये पद संभाल सकते हैं, जो चुनावी परिणाम सामने आने के बाद से ही एक्टिव मोड में चल रहे हैं। 15 अक्टूबर 1961 में जन्मे राउत सोमवंशी क्षत्रिय पठारे समुदाय से आते हैं। बतौर पत्रकार अपने करियर की शुरुआत उन्होंने मराठी अखबार से की। पत्रकारिता के दौरान ही वो राज ठाकरे से मिले और बाद में बाल ठाकरे के अजीज बन गए। अशोक पड़बिद्री जब सामना से 1991 में रिटायर हुए तो राउत एग्जीक्यूटिव एडिटर बने। 2004 में वो पहली बार राज्यसभा सांसद बने। इसके बाद वो राज्यसभा में पार्टी की ओर से मुखर आवाज बने हुए हैं। पार्टी में संजय राउत की तूती बोलती है, शायद ही कभी उद्धव ठाकरे ने राउत के बयान से पल्ला झाड़ा हो। वो जो कुछ भी लिखते हैं या बोलते हैं उसमें ठाकरे की मंजूरी होती है, यानी साफ है कि उद्धव ठाकरे को संजय राउत पर पूरा विश्वास है। ऐसे में कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे उन्हें सीएम पद की कमान सौंप सकते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।